ऑल राइट गाइस, तो कैसे आप सब, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट सोल्स में और आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कल्चर पाम और इंडियन स्वीट्स को लेकर कंफ्यूज है कि इनमें से आपके लिए कौन सा सही रहेगा, आप कौन सा ले और आपके बजट में कौन सा आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। और साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। सो गाइस, इंडियन स्वीट्स और कल्चर पाम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है इंडिया में और बहुत सारे लोग इन डॉग ब्रीड्स को लेना चाहते हैं, पर वो इस बात से कंफ्यूज है कि वो इंडियन स्वीट्स ले या फिर कल्चर पाम डॉग ले। तो बेसिकली ये दोनों डॉग ब्रीड एक ही डॉग ब्रीड को बिलोंग करते हैं जो कि है पोमरेनियन, जिसके जो फर होता है वो बड़ा होता है और इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। ये दोनों ही स्मॉल टू मीडियम साइज़ में आते हैं और ये बहुत ही अच्छे वॉच डॉग्स होते हैं। सो गाइस, तो अब जानते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस आता है वो आता है इन दोनों की प्राइस में। कल्चर पॉम की जो प्राइस है वो इंडियन स्पीड्स की प्राइस से बहुत ही ज़्यादा है और अगर इंडियन स्पीड की प्राइस पर नज़र डालें तो कल्चर पॉम के प्राइस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। स्पीड्स डॉग का प्राइस अराउंड 3,000 से लेकर 9,000 के बीच में होता है, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से डॉग ले रहे हो और डॉग की क्वालिटी कैसी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का डॉग ले रहे हो तो उसका प्राइस अराउंड 8-9 हज़ार भी हो सकता है, पर अगर आप जो क्वालिटी ले रहे हो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाल भी छोटे छोटे हैं, तो वो आपको 2-3 हज़ार में भी मिल सकता है। और अगर आप बात करें कल्चर पॉम के प्राइस की, तो कल्चर पॉम का प्राइस अराउंड 8,000 से लेके 20,000 तक होता है, जो कि इंडियन स्पीड्स के प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इसका भी सेम ही है, अगर आप कहाँ से डॉग ले रहे हो और उसकी क्वालिटी क्या है इस पर डिपेंड करती है इसकी प्राइस। अगर आप किसी बहुत अच्छे क्वालिटी का अगर डॉग लेना चाहते हो तो इसका प्राइस अराउंड आपको 15-16 हज़ार भी पड़ सकता है, पर अगर आप एक मीडियम क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी का कल्चर पॉम लेना चाहते हो तो वो आपको अराउंड 5-8 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। और क्योंकि आप एक ही बार डॉग लेते हो और वो अगले 12-15 सालों तक आपके साथ रहने वाला है, तो आपको ज़रूर से एक अच्छा क्वालिटी का डॉग लाना चाहिए जो बहुत अच्छा हो दिखने में भी और उसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो। तो अगला जो डिफरेंस आता है वो आता है इन दोनों के कोट कलर्स में। इंडियन स्पीड्स का कोट हमेशा वाइट रहता है और कुछ कुछ इंडियन स्पीड्स होते हैं जो ब्लैक कलर में भी आते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं, पर कल्चर पॉम का जो कोट है वो अराउंड ऑरेंजिस टाइप का रहता है, क्रीम टाइप में भी आता है और आपको ब्लैक टाइप में भी कल्चर पॉम देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कल्चर पॉम के कोट कलर्स में बहुत सारे वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे क्रीम, टैन, रेड और ब्लैक, पर ये जो है वो इंडियन स्पीड्स की इसमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी, आपको इसमें बस ब्लैक एंड वाइट ही कलर आपको मिल जाएंगे। सो कल्चर पॉम और टॉय पॉम दोनों ही बहुत ही अच्छे डॉग्स हैं, तो आपको कौन सा पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये हमारे पोमरेनियन सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड था, अगर फर्स्ट एपिसोड आपने देखा नहीं है तो वो एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा और बहुत ही अच्छी ये सीरीज़ होने वाली है। अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी सारी वीडियोस देखिए, उसको लाइक कीजिए और अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।